हेलो एवरीवन, इस पीवाईक्यू के सफर को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक डजन क्वेश्चन आ गया है अब अपने पास। 2019 का क्वेश्चन है ये, सेफ्ट वन का। रिलेटिवली काफ़ी आसान है। ऑस्मोटिक प्रेशर देख के थोड़ा डर तो लगता है क्योंकि रिलेटिवली हम लोग कम क्वेश्चन किए हुए होते हैं इनका, बट ऑस्मोटिक प्रेशर देखते साथ ये समझ आना चाहिए कि भाई साहब पाई इक्वल टू CRT फॉर्मूला होता है, और अगर डिसोसिएशन वोशन दे दिया तो I इंटू CRT बोल देंगे। ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्स वाई, पानी में कोई सॉल्यूट है वो उसका ऑस्मेटिक प्रेशर 4 गुना है, 4 टाइम्स BaCl2 का जो घोल है उससे। तो लिख देते हैं एक्स वाई साहब का पाई जो है 4 गुना है, ऐसे तो लीनियर इक्वेशन वगैरह करते थे, वर्ड इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स, BaCl2 साहब के पाई से। इसको पाई लिख देते हैं, BaCl2 लिखना नीचे लिखना चाहिए था, ठीक है। और एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन किसका भाई साहब, दोनों तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड ये भी है, आयनिक कंपाउंड ये भी है, किसका कंप्लीट डिसोसिएशन एज्यूम करना है गिवेन आयनिक कंपाउंड्स। ओ हो, कंपाउंड्स मतलब दोनों को लपेट लिया गया है, तो दोनों का कंप्लीट डिसोसिएशन समझना है। एक्स वाई क्या बनाएगा, आयनिक कंपाउंड एक कटायन है एक आयन आयन होगा, 2+ है कि 1+ है क्या फर्क पड़ता है, एक बात पक्का है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2 होंगे, ठीक है। तो अपने को पता आई कैसे निकालते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन इसी को बोलते हैं, 2 पार्टिकल इनिशियली टोटल 1 ही पार्टिकल थे, आई 2/1 है ना। ऐसे मैं डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 2 पार्टिकल बन गया है, शुरू में एक था तो 2/1। वैसे ही BaCl2 में कितने पार्टिकल बनेंगे, Ba2+ 2 क्लोरीन भाई साहब, टोटल 3 पार्टिकल बाद में बनेंगे, शुरू में एक ही रहा होगा तो 3 आ गया है ना। तो 4 × π का वैल्यू यहाँ पे 3 × C, C का वैल्यू दिया हुआ है अगर देखेंगे तो, मोलैरिटी दिया हुआ है BaCl2 × RT। RT ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि कुछ पता तो है नहीं उसके बारे में, कुछ कर ही नहीं सकते जब पता ही नहीं है। π = ICRT XY के लिए लगाते हैं, I कितना है 2, I × CRT कंसंट्रेशन यही तो निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई। RT को छोड़ देते हैं, अच्छा लगेगा अगर इधर इधर से कैंसिल होगा, यहाँ से कंसंट्रेशन आ रहा है 4 × 3 × 0.01 / 2, 2 × 4, 3 × 6, 6 × 0.01, 0.06, 6 से मिलता जुलता मैग्नीट्यूड ही एक ही दिख रहा है, तो लग रहा है यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही अपना मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन है क्योंकि जो दिया हुआ मोल पर लीटर ही था 0.01, तो यूनिट सेम रह जाएगा, क्लियर। तो यूनिट यूनिट का तो चक्कर है भी नहीं क्योंकि यूनिट तो चेक किया नहीं जा रहा है, क्लियर। ओके, बाय एवरीबडी, ये रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन था, बाय बाय।